पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कराची में 3 सियासी जमातों को झटका। कप्तान का जहाज APML, TSP और मुत्तेदा के दर्जनों इलाकाई रहनुमा और कारकुनान ले उड़ा। PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल ने इंसाफ हाउस में कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अक्सर जमीन पार्टी और मुत्तेदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान के दर्जनों इलाकाई रहनुमाओं और कारकुनान ने इमरान खान के फलसफे से मुतासिर होकर तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर इमरान इस्माइल का कहना था, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर ये अपराध खुद को अवामी लीडर समझते हैं तो आए और इमरान खान के हलके से इलेक्शन लड़े। इनका कहना था कि ये तमाम अपराध मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर किसी पार्टी के लीडर के अंदर इतना दम है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खासतौर से बिलावल भुट्टो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत लंबी लंबी बातें करने लगे आज। अगर आपके अंदर हौसला है, दम है और बेबी सरदारी से थोड़ा बड़ा होने का हौसला पैदा करते हैं तो आए इमरान खान के सामने उसी हल्के से इंतखाब लड़े जहाँ से इमरान खान लड़ रहे हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि हम इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के घर पर हमले की शदीद मुजम्मत करते हैं और इस हमले की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि नवाज शरीफ और इनके दरबारी आवाम को अदलिया के खिलाफ उकसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, इसमें बड़ा जर्ब का मुजाहरा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि पहले तो बड़ी जल्दी करते थे ना, इधर इधर कार्रवाई शुरू हुई उधर हमला कर दिया जाके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब ओवर द पीरियड इनके अंदर इतना जर्फ आ गया है कि अब इन्होंने इतना इंतज़ार तो किया कि उसको हमेशा के लिए नाहल हो जाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक करें। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंशाल्लाह हम 2018 के इलेक्शन में कराची से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सुना है कि ये एयरफोर्स के तैयारे के अंदर शहबाज शरीफ साहब सफर कर रहे होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में शहबाज शरीफ साहब सफर कर रहे होते हैं, किसने इनको इख्तियार दिया? क्या कोई और वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म का तैयारा इस्तेमाल कर सकता है? पूरे मुल्क को उन्होंने अंधेरों में डाल दिया। कराची को क्या बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी का सिंह से और PMLN का पूरे मुल्क से सफाया कर देगी। कैमरा मैन नज़ीर अहमद के साथ नुमान कुरैशी, NN News कराची।